मध्य प्रदेश की केंद्रीय जेल में सुपरिटेंडेंट अलका सोनकर के दिशा निर्देश पर कवि सम्मेलन का सफल आयोजन हुआ। इस दौरान कार्यक्रम में पहुंचे कवियों ने जेल में बंद कैदियों को खूब हंसाया और अपनी कविता का खूब आनंद दिलाया। मुझसे पूछा कि आप कवि हैं? बोले हाँ। बोले आपके पिताजी भी कवि थे? बोले हाँ। बोले उनके पिताजी भी कवि थे? बोले हाँ। बोले तो इतना लंबा क्यों पूछ रहे? बोले मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि बेवकूफी की जड़ कितनी गहरी पुलिस बन गए। लेकिन आदमी डॉक्टर साहिब बहुत अच्छा लग रहा है आपको देखकर। मेरी बेटी भी डॉक्टर बनने गई है। मैंने काफी सुनाया प्लस के बारे में। एक बात बताना भूल रहे, तीन बताए इन्होंने, चौथा बताता था। वो प्लस में दो डंडे होते हैं, एक आड़ा और एक खड़ा। तो एक डॉक्टर से पूछा ये क्यों, तो बोले वो आदमी क्या है, खड़ा आता है वो। जेल में बंद महिला पुरुष कैदियों ने कार्यक्रम का खूब लुत्फ उठाया और हंस हंस कर लोटपोट होते दिखाई दिए। कार्यक्रम में मुख्य रूप से जेलर संतोष कुमार लड़िया, उप जेलर हीरालाल परमार आदि लोग मौजूद रहे। आज केंद्रीय जेल उज्जैन में जो है एक बड़ा ही हर्ष का विषय यह है कि आज हमारे बीच में न सिर्फ मध्य प्रदेश के बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि यहाँ पर आए, और उनका केवल एकमात्र ये उद्देश्य था कि इन बड़ी बड़ी चार दीवारियों के बीच में जो मनुष्य रह रहे हैं उनके चेहरे पर भी मुस्कान लाना और उनको इन कविताओं के माध्यम से दो पल के लिए ही सही पर उनको जो खुशी हम दे सकते हैं, ऐसा काम आज हमारे बीच में बड़े ही आदरणीय कवि यहाँ पर उपस्थित हुए, जिसमें अशोक भाटी जी हैं, शशिकांत यादव जी हैं, कुमार संभव जी हैं और सुरेन सर्किट जी हैं आदि बहुत से ऐसे कवि हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी बहुत ही अच्छी रचनाएं दी हैं। विशेष रूप से अभी मैंने हाल ही में शशिकांत भाई की कविता सुनी जो कि वीर रस से ओतप्रोत कविता थी, और निश्चित रूप से हमारे बंदियों में भी एक राष्ट्र प्रेम का जज्बा आपकी कविता से जागृत हुआ होगा। जिस तरीके से आपने जो है महिलाओं के लिए, ना सिर्फ महिलाओं के लिए अपितु पूरे देश के लिए जो कविता कही, इसके लिए हम आपका दिल से धन्यवाद भी इस चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। और आग्रह यही है कि आपके पास तो बहुत बड़ी विरासत है, जब आपको समय मिले तो हमारे बंदियों के बीच मुस्कुराहट लाने के लिए पधारें। JSR टाइम्स के लिए उज्जैन से कार्तिक गाडेकर की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।